श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै गुरवे नमः तस्मै गुरवे नमः। समाधि में जो विघ्न आते हैं उसकी इन्होंने गिनती कराई। अनुसंधान राहित्यम आलस्यम भोगर आलसम लय तमश्च विक्षेपो रसस्वादश्च शून्यता इत्यादि। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्व का यदि विघ्न कोई हो तो वो है हमको भूख नहीं है। जैसे आपने देखा होगा अपने घरों में सुबह से बच्चा बकरी के जैसा चर रहा है जंक फूड, और हिंदुस्तानी माँ माने क्या बच्चे को खाना खिलाना, चाहे उसको भूख लगे ना लगे खाना खिलाओ। अब वो बच्चे को भूख तो है नहीं, सुबह से खाया है, उसको जब कहेंगे खाना खाओ तो वो देखेगा कि क्या बना नहीं है और वही मांगेगा क्योंकि भूख नहीं है। और यदि खूब भूख लगी हो, सुबह से कुछ खाने को मत दो, और उसके बाद जब वो भूख से परेशान हो रहा हो उस समय टिश्यू पेपर की सैंडविच बना करके दे दो तो बड़े चाव के साथ खाएगा क्योंकि भूख लगी है। हमको इस अध्यात्म में अनुसंधान राहित्य इत्यादि जो विघ्न बताए गए हैं इसका एक ही कारण है, अभी हमको भूख नहीं लगी और कुछ नहीं। देखो व्यक्ति का जब समर्पण होता है ना तो विघ्न नहीं आते, और यदि विघ्न नहीं आते तो समर्पण नहीं है। बड़ी विचित्र बात है। जैसे आप यदि योग्य रास्ते यदि आप जीवन में आध्यात्मिक साधना कर रहे हो और कोई विघ्न नहीं आए तो समझ लेना आप आध्यात्मिक साधना नहीं कर रहे हो, विघ्न आए तो समझ लेना यही साधना है। इसलिए सबसे महत्व की बात हमको भूख नहीं है। तो भूख को जागृत करने के लिए सत्संग होता है। सत्संग में आकर के हमको इस ज्ञान का ब्रह्म तत्व का सत्संग का महात्म्य प्रकट हो जाता है हृदय में। जिस वस्तु का महात्म्य हमारे हृदय में प्रकट होता है उसी वस्तु को हम चाहते हैं। देखो जैसे टीवी पर देखते हैं कुछ और उसको देखने के बाद महात्म्य प्रकट होगा हृदय में, फिर उसकी इच्छा होती है, उसको प्राप्त करने के प्रयत्न होते हैं, उसको प्राप्त करके रखते हैं और फिर समझ में आता है ये बेकार है। लेकिन हम सीखते नहीं उससे, फिर दूसरी वस्तु के पीछे लगे। तो जहाँ हमारे मन में इस ब्रह्म ज्ञान के प्रति अध्यात्म के प्रति सत्संग के प्रति महात्म्य जागृत होगा आपको कोई भी समस्या परेशान नहीं करेगी। समस्या का अर्थ क्या है? लक्ष्य से अपनी दृष्टि जब हट जाती है उसके बाद जो दिखता है उसको कहते हैं समस्या। देखो एक कहानी हमने पढ़ी, एक लड़की अपने प्रियतम से मिलने के लिए बगीचे में जा रही थी। वहाँ एक मुसलमान सज्जन ने अपना तौलिया रखा, नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए। अब ये लड़की ऐसी सीधी चली गई, तौलिया के ऊपर में पैर रख करके आगे चली गई और उधर से दो घंटे के चार घंटे के बाद आई। ये महात्मा जी बड़े गुस्से वाले कि तुमने बहुत गरार खराब किया है, ये है तमीज़ है नहीं, ये सब कुछ कह दिया। तो उस लड़की ने कहा कि देखो भाई मेरे से ऐसा हो गया है तो गलत है, मैं स्वीकार करती हूँ, तो मुझे पनिशमेंट दे दो। मैं तो अपने प्रियतम से मिलने के लिए गई थी इसीलिए शायद ऐसे हो गया। अब मुझे एक प्रश्न है, पहली बात प्रश्न ये है जब मैं इस मर्त्य इस दुनिया के प्रियतम को मिलने के लिए जब जा रही थी तो आप बीच में है ये मुझे दिखाई नहीं, आप तो भगवान को मिलने जा रहे तो मैं कैसी दिखी आपको? देखो महाराज हमारी समर्पण की कमी है, उसी के कारण सब समस्या होती है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुक्रुं करने का तात्पर्य है
कि हमने परमात्मा को साधन समझ लिया है और दुनियादारी को साध्य समझ लिया है। जीवन में दुनिया का जो जीवन ये साधन है, पति पत्नी भाई बहन पुत्र पौत्र, अब इनमें से हमको निकल करके प्रभु में फंसना है। लेकिन हम क्या करते हैं, प्रभु को कहते हैं कि भगवान ऐसा ऐसा करो, उससे क्या होगा, फिर मैं अच्छी तरह से फंस जाऊंगी। तो ये जो विवेक का अभाव है, इसी के कारण हमको सत्संग और ब्रह्म ज्ञान में रस नहीं आता। तो यह जो अखंडाकारा वृत्ति है, अहम ब्रह्मास्मि, इसको दृढ़ करने के लिए अब क्या साधना करनी है, ये चिंतन की साधना है। देखो भैया, सी यस्य ज्ञानमयम तपः, जो दुनिया के वस्तुओं में फंसे हैं, धन दौलत में, उनके लिए आध्यात्मिक साधना क्या होगी मालूम है, दान धर्म करना, कहीं स्कूल बनाना, कहीं हॉस्टल बनाना, गरीबों को खाना खिलाना, उनके लिए अध्यात्म वही है, क्योंकि वो पैसे में फंसे हैं। देखो, दूसरे जो अपने देह में फंसे हैं, उनके लिए आध्यात्मिक साधना माने क्या, योगा और कुछ नहीं। तीसरे जो ये गृहस्थी में फंसे हैं, दुनियादारी में फंसे हैं, उनके लिए साधना माने क्या, हम तो सबकी देखभाल करते हैं लेकिन आजकल के बच्चे मानते नहीं, तो फिर क्या करेंगे, भगवान को कहेंगे भगवान इनको जरा ठीक करा दो। भगवान कहते मैं तुमको नहीं ठीक कर सका, तुम्हारे बच्चे को कहाँ ठीक करो। देखो, तो आध्यात्मिक साधना अपने अपने स्थिति के अनुसार हम कल्पना करते हैं। और जो व्यक्ति साधना का तात्पर्य समझदारी से अपने आप को समझना ये करता है, उसके लिए यह ज्ञान साधना यही तपस्या है। भगवान रमण महर्षि के अनुसार सबसे बड़ी तपस्या क्या है, हमको तपस्या किसको कहते हैं, हम किसी का त्याग करना, एक टांग पर खड़े रहना तपस्या है, खाना नहीं खाना तपस्या है, जाड़े के दिनों में कपड़े नहीं पहनना तपस्या है, गर्मी के दिनों में चारों तरफ से आग तपाना तपस्या है। देखो, भगवान रमण महर्षि कहते हैं, अहम पेतकम निज विभानकम महदिदम तपो रमण वागियम। भगवान रमण महर्षि के शब्द है कि सबसे बड़ी तपस्या क्या है, अहम अपेतकम, जिसके द्वारा अपने ये मय का, अपने ईगो का संपूर्ण समर्पण हो जाता है, उसके बाद हमारे ही माध्यम से प्रभु प्रकट होने लग जाते हैं, वो है असली तपस्या। क्योंकि तपस्या में हम त्याग करते हैं, तो सबसे बड़ी वस्तु कौन सी है हमारे पास, मैं। ये पूरी जो दुनिया चल रही है ना, इसी मय का प्रेस्टीज इशू बनाकर ही तो चल रही है। देखो, इसीलिए महाराज असली तपस्या ज्ञानमय है, कि जो हमने अपने आप को मान रखा है, देह मन बुद्धि इत्यादि, देहात्म भाव जीवात्म भाव, उसका त्याग करना है, और उसका त्याग केवल समझदारी के द्वारा होगा। देखो, एक बार पुराण में कहीं कथा आती है कि एक साधक को बताया कि जब तक कि तुम सबका त्याग नहीं करोगे तब तक परमात्मा नहीं मिलेंगे। तो उसने खाना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, गुरु महाराज के पास गया, मैंने खाना छोड़ दिया, बोले इसको त्याग नहीं करते। फिर अच्छा मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, तो वो हंस दिए, बोले क्यों हंस रहे, बोले तुम जिसकी हत्या करने जा रहे वो तो तुम्हारा है ही नहीं। देखो, जिस देह को मारना तुम त्याग समझते हो, वो देह तुम्हारा थोड़ी है, तुम तो किसी और के वस्तु को मार रहे हो। फिर क्या करूं, तो उन्होंने बताया तुम्हारी ये जो भ्रांति है कि मैं देह हूं, इस भ्रांति का त्याग करना है। देखो, यही वास्तविक ज्ञान है। हमारे जीवन की सभी समस्या गलत फहमी की है और दूसरा कोई कारण नहीं है, और ये गलत फहमी को हम ठीक नहीं करना चाहते,
और फिर जिंदगी भर इसी में फंसे हैं। इसीलिए अब यह ज्ञान की साधना कैसी है बताते हैं। कार्य कारणता याता कारणे नहीं कार्यता कारणत्वं ततो गच्छेत् कार्याभावे विचारतः विचारतः चिंतन करने से योग्य प्रकार से विचार करना है। कैसे विचार करना है पहली बात बताते हैं कि कार्य में कारण का होना आवश्यक है। कैसे? आभूषणों में सुवर्ण का होना आवश्यक है। कार्य कारणता याता लेकिन कारणे नहीं कार्यता लेकिन सुवर्ण में आभूषणों का होना आवश्यक नहीं है। आभूषण जो है वो सुवर्ण के बिना नहीं रह सकते लेकिन सुवर्ण जो है बिना आभूषण के बने रह सकता है। पहली स्टेप। दूसरी स्टेप कारणत्वं ततो गच्छेत्। यदि हमारा ध्यान केवल सुवर्ण के तरफ रहा तो जो उसका कार्य है आभूषण उससे हम उपरत हो गए। इसी प्रकार से ये जो दुनिया है ये कार्य है। ये दुनिया की स्थिति परमात्मा के सिवा नहीं है लेकिन परमात्मा में दुनिया नहीं है। इस प्रकार से जब हमारा ध्यान परमात्मा के तरफ जाएगा तब अपने आप ये दुनिया होते हुए भी हमको प्रभावित नहीं करेगी। जैसे मृगजल या मृग तृष्णा वो रेगिस्तान को गीला नहीं कर सकती। जैसे आकाश की नीलिमा आकाश को दाग नहीं लगा सकती। इसी प्रकार से अपना जो स्वरूप है उसमें कार्य कारण दोनों मिथ्या। कारण किसी को हम कहते हैं कार्य के कारण। देखो एक बार एक बाप ने अपने बेटे को डांटा कि मैंने तुमको जन्म दिया इसी दिन के लिए। तो बेटे ने बाप को डांटा कि पिताजी बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं आप। किसने कहा आपने मुझे जन्म दिया? मैंने आपको जन्म दिया। तो बाप ने कहा यही सुनना बाकी था। तो बोले जब तक मैं पैदा नहीं हुआ आपको पिताजी किसने कहा? बिना पुत्र के पिता नहीं होता। तो पिता पुत्र ये केवल सापेक्षता में है ये सत्य नहीं है। देखो तो जहां हमारी दृष्टि कार्य से हट गई जहां हमारी दृष्टि ये दुनिया से हट गई तो कारण में जाके पहुंचे। और यदि कारण में माने सुवर्ण में जाके पहुंचे तो सुवर्ण में जाने के बाद पता चलेगा अरे इसमें तो एक भी आभूषण नहीं है। देखो इसीलिए ये दुनिया से बचने के लिए एक टेक्निक ये है खामोखाम की विचार करना बंद कर दो। कितने बार ये लोग अनावश्यक विचार करते हैं। हम लोग ने मुझे मैंने सोचा कि आप मर जाओगे। क्यों सोच रहे हो ऐसा? किसने कहा सोचने के लिए? देखो अनावश्यक विचार और उसी के कारण फंसे रहते हैं। तो कारणत्वं ततो गच्छेत् कार्य अभावे विचारतः। तो ना तो कारण रहेगा न कार्य रहेगा। अब ध्यान से सुनना जिस क्षण हमने कार्य कारण का त्याग कर दिया उसी क्षण हम अपने स्वरूप में बैठ गए। कैसे? परमात्मा कार्य कारण के परे है और हमने कार्य कारण का त्याग कर दिया तो परमात्मा में जाके बैठे। तो अपना जो होना है उसका कोई कारण नहीं है। देखो ध्यान से सुनना अग्नि गर्म क्यों है कभी हमने इसकी कारण मीमांसा करी है? फिर क्या कहा अग्नि गर्म है फिर उसके साथ कैसे व्यवहार करना बाद में हमने निश्चय किया है। इसी प्रकार से ये दुनिया ऐसी ही है इसमें दिमाग को खराब ना करें तब जा करके हमारी अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति बनेगी नहीं तो दुनिया में ही भटकते रहेंगे। अथ शुद्धं भवेद् वस्तु यद्वै वाचाम गोचरं द्रष्टव्यं मृद्घटे नैव दृष्टान्तेन पुनः पुनः। इस प्रकार से जैसे हमने
मिट्टी में से घट के नाम रूप को उपयोगिता को हटा दिया तो केवल मिट्टी मात्र बची रहती है। तो मिट्टी पर हमने नाम रूप उपयोगिता ये तीन उपाधियां चढ़ा दी, इसीलिए मिट्टी को घट कहते हैं। उसी प्रकार से परमात्मा पर हमने नाम रूप की उपाधि चढ़ा दी तो उसको जगत कहते हैं, पंचकोशों की उपाधि चढ़ा दी तो उसको जीव कहते हैं, माया की उपाधि चढ़ा दी तो उसको ईश्वर कहते हैं। इन ये उपाधियों में ही हम भटक रहे हैं। ध्यान से सुनना, हम जब भी दुखी होते हैं तो उपाधिधारी ही दुखी होते हैं। पति पत्नी भाई बहन सास बहू ये सब उपाधिधारी है, स्त्री पुरुष दुखी नहीं होते। देखो जब तक कि ये बात दिमाग में नहीं घुसती ना कि हम जो अपने को मैं समझते हैं केवल औपाधिक मैं समझते हैं, असली मैं को तो हमने कभी पहचाना ही नहीं और ना पहचानना चाहते हैं। देखो यही हमारे मूर्खता की पराकाष्ठा है। इसीलिए अथ शुद्धम भवेद वस्तु यद वही वाचाम गोचरम। तो जब हम इन सभी उपाधियों का त्याग कर देंगे तो हमको इस दुनिया में बोलने के लिए या न बोलने के लिए कुछ बचता ही नहीं, विचार करने का कोई विषय ही नहीं। देखो जैसे आंखें स्वयं को नहीं देख सकती, इसी प्रकार से मन जब अपने तरफ मुड़ जाता है तो चैतन्य में लीन होता है, फिर उसको विचार करने की आवश्यकता ही नहीं। इसको ध्यान से समझ लेना, आंखें अन्य को देखती है, मन अन्य के बारे में चिंतन करता है, आंखें स्वयं को नहीं देख सकती, मन स्वयं को नहीं देख सकता। जहां मन को अपने तरफ मोड़ा वही मन गायब हो जाता है और उसी मन को चैतन्य कहते हैं। अनेनैव प्रकारेण बुद्धि ब्रह्मात्मिका भवेत् उदेति शुद्ध चित्तानां वृत्ति ज्ञानं ततः परम। अनेनैव प्रकारेण इस प्रकार से विचार चिंतन करते करते वृत्ति ब्रह्मात्मिका भवेत्, फिर हम छोटी छोटी बातों में फंसना बंद कर देते हैं। देखो अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति माने छोटी छोटी बातों से अपने आप को बचाना। देखो जो दरिद्री जीवन जिए है उनको बड़ी बात सोच भी नहीं सकते हो। उदाहरण दे दो आपको, एक बहुत पुरानी बात है, हमको एक ने पूछा ये बाबा जी लोग ये जो आप लोग आश्रम चलाते हो पैसा कहाँ से आता है। हमने कहा आपके जैसे दानी धर्मात्मा आते हैं दान करते हैं इसी पर आश्रम चलता है, रोज कितना खर्चा होता है। हमने कहा रोज होता होगा 5-6 लाख रुपए रोज का। इतना रोज का खर्चा पैसा कहाँ से आता है। हमने कहा भाई तुम्हारे जैसे लोग दान धर्म देते हैं। बोले मुझे तो विश्वास नहीं होता इस पर। मैंने फिर उनको पूछा आपने अपने जिंदगी में कितना दान किया। बोले एक पैसा नहीं दिया मैंने किसी को। जिस आदमी ने एक पैसा किसी को नहीं दिया होगा ये सोच ही नहीं सकता कि कोई दूसरा आदमी 10 लाख रुपए दे सकता है। यही बात यहाँ है, जब तक हमें छोटी दायरे में फंसे है ना, माई मेरी बीबी मेरे बच्चे मेरा घर, अरे राम राम दुनिया बहुत बड़ी है हटो इससे। देखो भागवत की कथा तो बहुत सुनते हैं हम, और वो केवल तबला पेटी छोटी छोटी गैया, उसके आगे कुछ नहीं। भागवत की कथा से क्या सीखा है हमने, एक कथा बताती है कि भरत जी महाराज की कथा बड़ी प्रसिद्ध है, जड़ भरत की कथा। भरत जी ने 10,000 साल राज्य किया भारतवर्ष का, और एक छत्र राज्य उनका कोई भी विरोधी नहीं था। 2-4 दिन 5 साल के लिए एक इलेक्शन का नहीं, 10,000 साल इतना करने के बाद भी उनमें कृतकृत्यता का अनुभव नहीं आया। फिर उन्होंने अपना जो राज्य है अपने पुत्र को हटा दिला दिया और स्वयं जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए। तो इससे हमने सीखा क्या है कि आपके पास दुनिया की सारी धन दौलत रहे
एक दो दिन के बाद में हजारों साल रहे तो भी आपको इस दुनिया से कृतकृत्यता का अनुभव नहीं आ सकता, ये हमको सीखना है। ये तो सीखेंगे नहीं। देखो ये दुनिया में आप कुछ भी आपको मिल जाए आपको कृतकृत्यता का अनुभव नहीं आ सकता। देखो लेकिन हम ये बात सीखते नहीं। हम कैसे सीखेंगे? ये कैसे संभव है कोई ने 10,000 साल राज्य किया? हमारी बुद्धि वहां जाएगी। लेकिन जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है वो ये है, इसीलिए इस दुनिया से निकलने के लिए अनेनैव प्रकारेण, जब हम छोटी छोटी दायरे से निकल जाते हैं, तो जब भरत जी ने देखा कि राज्य कितने भी साल करो इस पे कृतकृत्यता का अनुभव नहीं आता, उन्होंने उसका त्याग किया और अपने आप को प्रभु के साथ मिलाने के लिए सबका त्याग किया। ध्यान से सुनना, जब तक हम सबका त्याग नहीं करते तब तक के ये घटिया नींद नहीं आती। तो प्रभु की प्राप्ति होगी? देखो हमको प्रभु की प्राप्ति कैसी चाहिए? हम आराम से बैठे हैं एसी लगा करके और चाय पकोड़े चल रहे हैं और वहाँ गट्ठे गिन रहे हैं, उस समय भगवान आकर के घंटी बजाए, हम कहेंगे वेट फॉर फ्यू मिनट्स। ऐसे हमको भगवान का दर्शन चाहिए। तो जो सभी महात्मा लोग सब घर छोड़ करके दुनिया से निकल करके पहाड़ों में जंगलों में जा करके गुफाओं में रहते हैं, क्या उनको पागल कुत्ते ने काटा है? देखो महाराज, जब तक के ये बात दिमाग में घुसेगी नहीं ना, तब तक के हम अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं। दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। तो अनेनैव प्रकारेण वृत्ति ब्रह्मात्मिका भवे। तो वृत्ति को ब्रह्मात्मिका बनवाना माने छोटे दायरे से हट करके अनंत में समा जाना। मैं अरु मोर तोर तय माया, भक्ति शास्त्र में यही कहते हैं, सबकी ममता तांग बटोरी। हमने अपने आप को जो छोटे छोटे चीजों में फंसा के रखा है ना, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा लड़का, कहेंगे अरे राम राम राम, दुनिया में और बहुत चीजें हैं, केवल यही मात्र नहीं है। जो अपना है उसको तो हम स्वीकार नहीं करते, जो अपना नहीं है उसी को पकड़ बैठे। तो वृत्ति ब्रह्मात्मिका भवेत, उदेति शुद्ध चित्ता नाम वृत्ति ज्ञानम ततहा परम। और ऐसा जिसका अंतकरण शुद्ध हो गया है उसमें फिर यह अहम ब्रह्मास्मि का वृत्ति ज्ञान जो है वो प्रकट होने लग जाता है। उसके पश्चात कारणम व्यतिरेकेण उमानादो विलोकयेन अन्वयेन पुनः सिद्धि कार्ये नित्यं प्रपश्यति। फिर चिंतन ऐसा करे कि कारणम व्यतिरेकेण, ध्यान से सुनना, ये दो शब्द आते हैं व्यतिरेक और अन्वय। व्यतिरेक का तात्पर्य क्या है? सुवर्ण बिना आभूषण बने रह सकता है, इस प्रकार से सुवर्ण में आभूषणों का व्यतिरेक हो गया और सभी आभूषणों में सुवर्ण का होना आवश्यक है, बिना सुवर्ण के आभूषण नहीं रह सकते, तो सभी आभूषणों में सुवर्ण का होना ये अन्वय हो गया। अब इसको विचार करें, इस जगत की स्थिति होने के लिए मैं की आवश्यकता है, यदि मैं नहीं तो मेरी पत्नी नहीं, मैं नहीं तो मेरे बच्चे नहीं, मैं नहीं तो मेरी स्टेट नहीं, मैं नहीं तो मेरी समस्या नहीं, तो सबका आधार मैं है। देखो लेकिन इन सब के सिवा मैं रहता हूं, मेरी पत्नी मर गई फिर भी मैं हूं, मेरे बच्चे छोड़ के चले गए फिर भी मैं हूं, मेरी धन दौलत निकल गई फिर भी मैं हूं। तो ये जो मैं है असली मैं, ये इन सब से निरपेक्ष है। इस मैं को पहचानना माने अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति का अभ्यास करें। तो अन्वयेन पुनः सिद्धि कार्य नित्यं प्रपश्यति। और उसके बाद एक बार ये बात पक्की हो गई, उसके पश्चात हर बार
सुवर्ण को देखने के लिए आभूषणों को गलाने की जरूरत नहीं। ये देख रहे हैं सुवर्ण के आभूषणों को, लेकिन ज्ञान हो रहा है सुवर्ण का। इसी प्रकार से देख रहे हैं दुनिया को, लेकिन ज्ञान हो रहा है प्रभु का। देखो, यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधया। यह जो दृष्टि है, इस दृष्टि को जागृत करना माने अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति को अपने में आवाहन करना है। कारणे ही कारणम पश्येत पश्चात कार्यम विसर्जयेत। कार्ये ही कारणम पश्येत, पहले आभूषणों में सुवर्ण को देखे। कार्ये ही कारणम पश्येत, आभूषण कार्य है, सुवर्ण कारण है। फिर पश्चात बाद में कार्यम विसर्जयेत, फिर आभूषणों को हमने गला दिया तो आभूषण खत्म हो गए, लेकिन सुवर्ण खत्म हो गया क्या? नहीं। इसी प्रकार से मैं कौन हूं, मैं पति पत्नी भाई बहन, इन सब का विसर्जन कर दिया, सबका विसर्जन कर दिया तो मैं गायब हो गया क्या? मैं तो ज्यों का त्यों हूं ना। यह जो अकाट्य वस्तु है, यह जो अखंड अनुभूति है, यह जो प्रमाण निरपेक्ष सत्ता है, ये अपना स्वरूप है। कारणत्वं ततो नश्येत अवशिष्टं भवेत मुनि। फिर कार्य कारण दोनों गायब हो जाते हैं और केवल हम स्वयं मात्र बसे रहते हैं। देखो संतो, इसीलिए ज्यादा विचार मत करो उल्टा सीधा, ये दुनिया ऐसी क्यों है, ये दुनिया ऐसी छोटी है। कभी आपने इसका विचार किया क्या कि सपने में बड़े अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, मुझे जागृत अवस्था में क्यों नहीं मिलते? दोनों जगह एक जैसी ही है, कोई अच्छा बुरा नहीं है, ये तो अपने मन की कल्पना मात्र है। इसीलिए कारणत्वं ततो नश्येत अवशिष्टं भवेत मुनि। यही साधना है ज्ञान की महाराज। देखो, जब जब आप दुखी हो गए, एक क्षण के लिए सांस रोक लेना और ये चिंतन करना, कौन दुखी है? एक क्षण के लिए सांस अंदर खींच ली, अब अपने को प्रश्न पूछो, कौन दुखी है? पत्नी दुखी है। बहुत बढ़िया, अब पत्नी पर चिंतन करो, क्या मैं जन्म से पत्नी हूं? नहीं, मैं तो कन्या थी, मैं तो बहन थी, मैं तो किसी की पुत्री थी। पत्नी तो मैं बाद में बनी, तो मैं असल में हूं कौन? देखो, क्या पत्नी नाम की कोई वस्तु है? यदि स्त्री को हटा देवे तो पत्नी कहां गई? इसमें सत्य स्त्री है, पत्नी नहीं। दुखी होने वाली पत्नी है जो नहीं है। देखो, बेवकूफी की पराकाष्ठा, जो नहीं है वो दुखी हो रहा है और फिर उसकी दवाई करो। जो नहीं है उसकी दवाई क्या करेगी? यही है विचार की धारा महाराज। ये तो जिंदगी भर इसी में फंसे रहेंगे, धक्के खाएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, ये ताबीज बांध लिया, वो बांध लिया, और यहाँ रस्सी बांध ली और सब कुछ कर लिया, लेकिन अंदर में जो कूड़ा करकट भरा हुआ है उसको साफ नहीं करेंगे। तो भावितम तीव्र वेगेन वस्तु यन निश्चयात्मना उमान सिद्धि भवेत शीघ्रम नेयम भ्रमर कीटवत। इस प्रकार से भावितम तीव्र वेगेन, अब इस पर हमने अत्यंत तीव्रता से, सूक्ष्मता से, इंटेंसली इस पे हमको लगना है, बहुत इंटेंसली। एक जगह भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, जितनी तन्मयता से, एकाग्रता से हम दुनिया के वस्तुओं में, भोगों में, लोगों में लगते हैं, उतनी ही तन्मयता यदि परमात्मा के लिए लगाओ तो काफी है। देखो, हम अपने दुनियादारी के कार्य में कितनी एकाग्रता से लग जाते हैं, याद रखना है, सब कुछ करना है, यही काम अपने स्वरूप में करना है और कुछ नहीं। माने हमारे सबके पास क्षमता है,
सिर्फ उसका अप्लीकेशन कहाँ करना है ये मालूम नहीं। देखो जैसे सुनने की बात ले लो, सत्संग में आकर के हमको जितना बताया जाता है कि हम सभी का सभी सुनते हैं, नहीं सुन लिया तो सुन लिया, नहीं तो नहीं। यही टेक्निक दुनिया में लगाओ, किसी ने अच्छा बुरा कहा, सुन लिया तो सुन लिया, नहीं तो नहीं। अच्छा आपने मुझे कहा था, लेकिन दुनिया में जो कहा है उल्टा सीधा उसको एकाग्रता से सुनेंगे। देखो एक बार एक व्यक्ति को हम मिले, हमने कहा कि गुप्ता जी वो वर्मा जी आपके फ्रेंड है ना? हाँ स्वामी जी आपके अच्छे फ्रेंड है वो, बिल्कुल नहीं फिर मैं नहीं कुछ बताऊंगा। क्यों? नहीं वो आप दोनों के बीच में मैं क्यों झगड़ा लगा लूं? क्या हुआ? नहीं मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी आपके बारे में ऐसा कहने की। क्या कहा? कुछ नहीं आप छोड़ दो ना, वो गुप्ता जी छोड़ेंगे मुझे। यदि उनको कहो कि गुप्ता जी तुम साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा हो, स्वामी जी ये बात बाद में बताना है, उसका बताओ उसका क्या। देखो महाराज जितनी एकाग्रता से हम झूठी बातों को दुनिया की बातों को सुनना चाहते हैं, उतनी एकाग्रता से भगवत कथा सुनते हैं क्या? माने एकाग्रता है हमारे पास, लेकिन कहां अप्लाई करना है ये हमारे पास विवेक नहीं है। बहू ने ये कहा इसको स्वीकार कर लिया, भगवान कृष्ण ने ये कहा उसको स्वीकार नहीं कर लिया। माने भगवान कृष्ण से बहू जो कहती वो सच है, भगवान कृष्ण कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम, वो सत्य नहीं है। देखो केवल विवेक चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, अपने आप सब चीजें होने लग जाएगी। तो भावितम तीव्र वेगेन, अत्यंत एकाग्रता से तीव्रता से यदि हमने ये निश्चय कर लिया। देखो आज गुड़ी पाड़वा है, नया साल सबको मुबारक। आज के दिन अपने अंदर में एक प्रतिज्ञा कर लो कि आज इस क्षण के बाद चिंता करना छोड़ दो, चिंतन करो, चिंता मत करो। चिंता आपको जिंदा जी जलाती है, चिंतन मुर्दे को भी उठाता है। यदि हम चिंता इतने एकाग्रता से कर सकते हैं तो चिंतन क्यों नहीं कर सकते? इसमें कोई कठिन नहीं है। दूसरा निर्णय ले लो अपने आप, हमेशा प्रसन्न रहना है। दुख हरेक के जीवन में आते हैं, यदि आपको दुखी नहीं होना है तो मर जाओ। केवल मृत्यु के बाद ही दुख नहीं होता, आपको भी नहीं और लोगों को भी नहीं। लोग कहते अच्छा हो गया चला। देखो मृत्यु से सुख ही सुख है, कोई दुखी नहीं होता। मरने वाला तो दुखी होता ही नहीं, जो जिंदे हैं वो भी कहते हैं वेट कर रहे थे, बहुत लेट कर दिया। चिंतन करो महाराज, चिंता करना बंद कर दो। और फिर ऐसा जो मन खाली हो गया है ना, उस मन को भगवान के नाम से भर दो, शास्त्रों का अध्ययन करो, चिंतन करो, अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करो। परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेदमायात, अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करो तो आपको पता चलेगा जिस वस्तु को लेकर के हम सोचते थे इनके सिवा तो मैं रह ही नहीं सकती, और वो जब चले जाते हैं तो भी 78, 80, 90, 95, 110 नॉट आउट बैटिंग कंटिन्यूस। देखो ये सब झूठ है, परमात्मा सत्य है, उसको पकड़ो। और उसको पकड़ने का एक ही तरीका है, भगवान का नामस्मरण करे, दुनिया की बातें छोड़ दे, कोई अपना नहीं कोई पराया नहीं, जहां लगा कोई फालतू की बातें हो रही है दुम दबा के भाग जाओ। तो भगवान जब कृष्ण भाग सकते हैं रणछोड़ तो हम क्यों नहीं भागे? ये दुनिया में मत फंसो,
और ऐसा जिसका मन दुनिया से उपरत हो गया है ऐसा ही मन प्रभु के चिंतन में लग जाता है। कोहम कस्त्वम कुत आयातः कामे जननी को मेतातः इति परिभावय सर्वमसारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम भज गोविंदम भज गोविंदम। कौन है, कहाँ से आए, कौन है माँ, कौन है बाप। देखो यदि हम देह नहीं है तो ये देह को निर्माण करने वाले हमारे माँ बाप कैसे हो गए। हम तो इस देह में रहने वाले टेनेंट है, तो यदि घर के मालिक को कुछ हो गया तो टेनेंट दुखी थोड़ी होता है। देखो जितना सूक्ष्मता से चिंतन करोगे आप दुखी होना बंद हो जाओगे। इसीलिए भावितम तीव्र वेगेन वस्तु या निश्चयात्मना, और एकदम निश्चय से दृढ़ता से कि परमात्मा तत्व के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं और वही अपना स्वरूप है। लगे रहो मुन्ना भाई, छोड़ो मत इसको। तो फिर पुमान तद्धि भवे शीघ्रम, मनुष्य वैसे ही बन जाता है। इसका एक उदाहरण दो आपको मैं। एक हमारी लड़की है रायपुर की, मारवाड़ी है, और जब मैंने पहले उसको देखा तो मैंने उसको कहा अरे गुज्जू कैसी हो। अरे स्वामी जी आपने मुझे गुजराती क्यों कहा। हमने कहा तुम्हारे चेहरे से लगता है तुम गुजराती हो। बोले ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया आपने मुझे चेहरे से क्यों गुजराती कहा, मैं तो मारवाड़ी हूँ। हमने कहा कुछ भी हो तुम गुजराती हो। फिर उसने कहा कि स्वामी जी आप सच है, मैं आपको झूठ बोल रही थी, मेरी पैदाइश और बढ़ना राजकोट में हुआ था, आप गुजरात में रहो 20-25 साल गुजराती दिखने लगोगे, बंगाल में जाके रहो 20-25 साल बंगाली दिखने लगोगे। देखो हमारे बीजिंग में एक फ्रेंड है, पति पत्नी, उनकी लड़की, उनकी लड़की 100% चाइनीज दिखती है, बोलती भी चाइनीज है, उसको देख करके कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि ये इंडियन की बच्ची है। देखो तो यदि बाहर के वातावरण का इतना प्रभाव पड़ता है तो अंतःकरण में हम नित्य निरंतर इसकी भावना तीव्रता से करते रहे कि हम देह नहीं, जीव नहीं, बल्कि परमात्मा स्वरूप है। भावितम तीव्र वेगेन, लगे रहो इसमें। लोगों को मैं बताना पता है कि आजकल हम सीख क्या है, हम ब्रह्म हो गए, लोगों को नहीं बताना है नहीं तो लोग कहेंगे अरे ब्रह्म आओ। एक गुरु का चेला था, उसने अपने गुरु को कहा कि आपने बताया मैं ब्रह्म हूं, अब मैं कुछ नहीं करना चाहता, आश्रम की सेवा कुछ नहीं, ब्रह्म कुछ नहीं करता। ठीक है बैठ, ब्रह्म बैठ गया। फिर खाने का समय आया, गुरु महाराज ने बढ़िया खाना मंगवाया और ब्रह्म कहता है मैं जाऊं, बोले ब्रह्म खाना नहीं खाता। गुरु महाराज ने डट के खाना खा लिया और डकार डुकार दे करके और फिर लेट गए और ब्रह्म वहीं बैठा है। और ये उठे, उठने के बाद गरम गरम चाय मंगाई, ब्रह्म देख रहा है, कुछ नमकीन बिस्किट वगैरह खाए, ब्रह्म सोचता है अब क्या करूं। बोले मैं बाहर जा क्या। बोले नहीं नहीं अरे मुझे जाना है, मुझे पेशाब को जाना है, ब्रह्म पेशाब नहीं करते। तो ये जो अनुभूति है ना, ये अनुभूति ही अपने वाणी से नहीं कहना है, ये अपना अनुभव है। जैसे कोई आदमी हो, क्या वो 25 बार कहेगा पता है क्या आदमी हूँ औरत नहीं हूँ। फिर 2 मिनट का पता है आदमी हूँ औरत नहीं हूँ। एक आदमी जब 25 बार कहेगा मैं आदमी हूँ औरत नहीं हूँ, लोगों को डाउट लगने लगेगा ऐसा क्यों कह रहा है बाबा, हमने तो तुमको कभी कहा नहीं कि तुम औरत हो, तुम ही अपने कहे जा रहे हो, माने तुमको ही संदेह है।
इसी प्रकार से देखो मैं ब्रह्म हूं, अरे तुमको क्यों डाउट है। इसीलिए यह जो साधना है अत्यंत सूक्ष्म है। सूक्ष्म कैसे साधना, ध्यान से सुनना, कोई भी विशेषता हम में निर्माण नहीं होगी, कोई भी विशेषता हम पर हमने अपने आप पर अध्यारोपित नहीं करना, कोई विशेषता नहीं। पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिलाया वैसा, हम सभी के सभी आइसबर्ग बन करके रहते हैं। आइसबर्ग पानी ही होता है, लेकिन पानी में ये अलग से खड़ा हो जाता है। जितना ऊपर है उसके 2/3 नीचे होता है, और ये आइसबर्ग पर कोई भी मछलियां इत्यादि नहीं रह सकती, पानी में रह सकती है। इसी प्रकार से ये जो परमात्मा है उसमें जो आइसबर्ग बना है जीव, ये अपने आप को परमात्मा से अलग करके रहता है। असल में जैसे आइसबर्ग पानी के सिवा कुछ है ही नहीं, इसी प्रकार से यह जीव की भ्रांति इसी परमात्मा पर अध्यारोपित करी गई है। जहां इस आइसबर्ग को समुद्र से निकाल करके जमीन पर रख दो तो ये पिघल करके नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से परमात्मा यदि जीवात्मा से अलग कर दो तो जीवात्मा का अस्तित्व ही नहीं रह सकता महाराज, अस्तित्व परमात्मा का है, उसको पहचाने। कोई विशेषता निर्माण नहीं करनी अपने में। हमारे लिए साधना माने हम लोगों से एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, हम लोगों के जैसे नहीं है। 9 बजे तक सोते रहते हैं, हम तो 8:30 बजे उठ जाते हैं। हम लोगों के जैसे नहीं है मांस खाते, हम तो केवल फिश खाते हैं। हम लोगों के जैसे नहीं है सिनेमा देखते हैं, हम तो सत्संग करते हैं। ये साधना नहीं है। सभी विशेषता जब समाप्त हो जाती है तो निर्विशेष तत्व को परमात्मा कहते हैं, विशेषता युक्त तत्व को जीवात्मा कहते हैं। आकाश में कोई विशेषता नहीं है, आकाश में जितनी भी वस्तु है उसमें हर एक में विशेषता है, और ये आकाश सबको आधार देता है क्योंकि निर्विशेष है। इसीलिए उमान भवेत शीघ्रम ज्ञेयम भ्रमर कीटवत। तो जैसे जैसे हमारी साधना चलती रहेगी तो ऐसे विचार करते 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 हम भी उसी परमात्मा से एक हो जाते हैं। एक साधु संत की हमने जीवनी पढ़ी, किसने लिखी थी, एक सज्जन थे किसी गांव में रहने वाले, रत्नागिरी के साइड के कहीं के थे, और जवान लड़का था, 18-20 साल का हो गया, कुछ नहीं करता था, पढ़ता नहीं था, मस्त रहता था। तो उसके घर के लोगों ने परेशान किया, ऐसे कैसे होता है, तुम ऐसे नहीं रह सकते, शादी करो। बोले जरूरत नहीं शादी, नहीं नहीं शादी करनी पड़ती तो कर डालो, शादी कर लो, और वही अपना काम नहीं, धंधा नहीं, कुछ नहीं। फिर उसकी बीबी ने चाबी भरी, ऐसे नहीं होता, आपको बम्बई जाना पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी, पैसा कमाना पड़ेगा। तो बोले ठीक है जाता हूँ, चला गया। जाते समय हर एक ने घर के लोगों ने लिस्ट दे दी, मेरे लिए ये लेना, ये ले आना, ये ले आना, 4-6 लिस्ट का एक फाइल बना करके ले गया। बम्बई में आया, क्या काम करेगा, अनपढ़ आदमी, कहीं कूली किया, कहीं झाड़ू पोछा किया, 2-4 साल रहा, पैसे कमाए, सबके लिस्ट के अनुसार खरीद लिया, वापस गया, सबको दे दिया, सब खुश। किसी ने नहीं पूछा 4 साल जिंदा रहे कि मरे, मेरी लिस्ट का सब सामान आया कि नहीं, सबको मिल गया। और फिर वो अपना मस्त रहने लग गया। फिर लोग कहने लगे वापस कब जाओगे, बोले कहाँ, बोले बम्बई में, बोले किस लिए, बोले फिर से पैसे कमाए दूसरी लिस्ट। बोले ठीक है, वो घर से निकला और फिर कभी वापस नहीं गया। एक साधु संत के पास पहुंचा, संत ने कहा कि देखो बैठो नीचे, मैं तुम्हारे सर पर भगवान दत्तात्रेय की मूर्ति की स्थापना कर देता हूँ, और जहाँ भी जाओगे देख लेना उनको कहीं लगता नहीं, ईंट पत्थर पेड़ कुछ ना लगे, ध्यान से रखना, और वो तुम्हारी सब चिंता दूर करेंगे। अब उन्होंने केवल
काल्पनिक संकल्प से मूर्ति उनके सर पर रख दी और ये उसी काल्पनिक मूर्ति को लेकर के दुनिया का भ्रमण करने लगे। पेड़ आता है तो नीचे बैठ जाते थे, ऐसे जाते थे कि भगवान को लग न जाए। ऐसा करते करते सब उनकी वृत्तियां शांत हो गई और उनमें परमात्मा की दिव्य शक्तियां प्रकट होने लग गई। फिर लोग तो उनको पागल करके पत्थर मारने लग गए। जब लोग पत्थर मारते थे तो वो फूल बन जाते थे। इतनी शक्ति है इस भावना की। इसीलिए यहां कहते हैं कि पुमान भवेत शीघ्रम। यदि हमने ये दृढ़ता से अखंड रूप से यही भावना करनी है, ज्ञेयम भ्रमर कीटवत, जैसे एक बटरफ्लाई बनने के पहले तितली एक कीड़े के रूप में होती है, वही फिर बटरफ्लाई बन जाती है, इसी प्रकार से यह जो जीव है ये अपने आप को सुखी दुखी मानने वाला है, यही अपने परमात्मा स्वरूप को पहचान लेता है। अदृश्यम भाव रूपम च सर्वमेतच्चिदात्मकम सावधानतया नित्यम स्वात्मानं भावयेत् बुधः। तो जो समझदार साधक है उसने अत्यंत सावधानी से लेकर के इसी शुद्ध चैतन्य के प्रति अपने आप को समर्पित कर देना है। देवी का जो स्तोत्र आता है, या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्य 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 नमो नमः। जो सभी भूत मात्र में चेतना के रूप में प्रकट होती है उस देवी को हमारे नमस्कार। फिर यही जो चेतना है यही आगे प्रकट होती है, या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता। तो ये संपूर्ण जो है ये उसी परमात्मा की बातें हैं। तो उस परमात्मा को हमको आत्म रूप से पहचान लेना है, यही साधना। तो अदृश्यम भाव रूपम च, जो दृश्य नहीं है लेकिन है। देखो, हम अपने दृश्य नहीं बन सकते, क्योंकि हम अपने दृश्य नहीं बन सकते इसका अर्थ ये नहीं है कि हम नहीं है। तो वह भाव, वह सत्ता, वह अस्तित्व जो दृश्य रूप से नहीं है, अदृश्य है। अदृश्यम भावरूपंच सर्वमेतच्चिदात्मकम्, यह संपूर्ण केवल चैतन्य मात्र है। देखो, चैतन्य ज्ञान स्वरूप है, मन भी ज्ञान स्वरूप है। चैतन्य ज्ञान स्वरूप होना और मन का ज्ञान स्वरूप होना, इसमें मूलभूत भेद क्या है? मन के ज्ञान में त्रिपुटी निर्माण होती है, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। यह वस्तु है तो यह हो गया ज्ञेय वस्तु, इसको मैं जानता हूं ये हो गया ज्ञाता, और ये वस्तु है ये इस वस्तु का ज्ञान हो गया। तो जो ज्ञान यह त्रिपुटी को निर्माण करता है उसको मानसिक ज्ञान कहते हैं, और जिस ज्ञान में त्रिपुटी निर्माण नहीं होती, जैसा हम है तो अपने होने में होना और जानना अलग अलग नहीं है। नोइंग इज बीइंग, यह जो अनडिवाइडेड एक्सपीरियंस है, यह जो अनुभूति जिसमें कोई भेद नहीं है, जिसमें कोई ज्ञाता ज्ञेय की द्वैत की दुर्गंध नहीं है, उसको कहते हैं सर्वमेतच्चिदात्मकम्। और उसको सावधानतया नित्यम स्वात्मानं भावयेत् बुधा। बुधा तो इस प्रकार से अत्यंत सावधान होकर के आत्मानं भावयेत्, हम अपने आप को, अब क्या शब्द का प्रयोग करें, अपने जो होने का अनुभव है उसके लिए ना तो इंद्रियों की आवश्यकता है ना तो मन की,
ना तो बुद्धि की। और यह जो होना है ये निर्विकल्प है, मानसिक ज्ञान में विकल्प होते हैं, ये रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है, तो रिमोट कंट्रोल को हमने है के रूप में ग्रहण किया, फिर इसको हमने हटा दिया। अब आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल नहीं है। माने मन से दो प्रकार से ज्ञान होता है, वस्तु का भाव होना और वस्तु का अभाव नहीं होना। लेकिन अपना जो स्वरूप है इसमें विकल्प नहीं है, मैं हूं या मैं नहीं हूं ये विकल्प नहीं है, तो निर्विकल्प समाधि इसको कहते हैं। केवल वृत्तियों के अभाव को नहीं, जिसमें यह द्वैत हमेशा के लिए मिट गया है। देखो संतो, तो कहते हैं कि सावधानतया नित्यम स्वात्मानं भावये बुधा। तो जो समझदार साधक है ध्यान में यही अभ्यास करे, बाकी की सब चीजें आडंबर बहुत हो गया, इनफ ये तो इसी में फंसे रहेंगे। और यदि आपको सब कुछ करना भी है तो एक ध्यान में एक और टेक्निक बताते हैं आपको, जो भी आप कुछ करते हो ना, पूजा पोथी इत्यादि, वो टाइम पास करने के लिए कर रहे हैं, ये ध्यान में रखना, केवल टाइम पास करने के लिए। मंदिर में गए, फूलों की माला बनाए, अच्छा घंटा पास टाइम पास हो जाता है। दिमाग पर प्रेशर मत करो, ये करना आराम करना, राम 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 राम, रिलैक्स। जो भी कुछ कर रहे हैं, जैसे हमने नाश्ता किया, टाइम था, फिर चलो कितना टाइम में अभी सत्संग के लिए, अभी आधा घंटा है, अच्छा फिर आधा घंटे क्या करें, चलो घूम के आते हैं। तो घूम के आना कोई आवश्यक था क्या, टाइम पास करना था। यही हम पूरे जीवन में कर रहे हैं लेकिन समझते नहीं। देखो जो व्यक्ति जीवन को टाइम पास सिद्धांत से जीता है वो टाइम पास टाइम को बायपास कर निकल जाता है, काल उसके कोई स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार से दृश्यम यदृश्यता नीत्वा ब्रह्माकारेण चिंतयेत्। जब दृश्य गायब हो गया फिर भी मैं हूं, जो सबके अभाव में होता है वो परम ब्रह्म है। देखो ध्यान से सुनना, शब्द को आप सुन रहे हो कानों से, लेकिन आपको शब्द के अभाव का भी तो अनुभव आ रहा है ना। जैसे राम, आपने शब्द कान से सुना, उसके बाद हम चुप हो गए, तो ये शब्द के अभाव को भी तो आपने सुना है, तो वो किससे सुना? जो अभाव को अस्तित्व प्रदान करता है वो परमात्मा है और वो आप हो। देखो सत्य, इसीलिए एक ध्यान की प्रक्रिया में अभाव का आलंबन लेते हैं। आप बैठे भगवान का नाम ले रहे हैं, श्री कृष्णा श्री कृष्णा, फिर धीरे धीरे दो कृष्ण में की दो राम में की गैप बढ़ाओ और फिर शब्द के अभाव पर ध्यान दो, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। और जितना ये दो शब्दों के बीच में का शब्द का अभाव यहां आप ध्यान देंगे, उतने आप अपने स्वरूप में बैठे हैं। शब्द हमको अपने से दूर ले जाते हैं, जो शब्द के अभाव का आधार है वो अपना स्वरूप है। दृश्यम यदृश्यता मीत्वा ब्रह्माकारेण चिंतये। और फिर जो सबके अभाव में है वही ब्रह्म है और वही अपना स्वरूप है। इस प्रकार से चिंतित, इस प्रकार से नित्य निरंतर चिंतन करते रहे। विद्वान नित्य सुखम तिष्ठे,
और ये जो चिंतन करने वाला है नित्यम सुखे तिष्ठे, हमेशा मौज में रहे। विद्वान नित्य सुखम तिष्ठ सुखे तिष्ठे, कौन विद्वान? बेवकूफ कभी नहीं रह सकता। विद्वान समझदार आदमी ही प्रसन्न रहता है। जो बेवकूफ है उसको दुनिया की चिंता इतनी है कि जिसकी कोई अंत नहीं। और हम बताएं आपको, जैसे एक्जिमा हो जाता है ना, तो आदमी को खुजलाए बगैर शांति नहीं मिलती। एक बार हम किसी बड़े अफसर को मिलने गए थे और वो हमसे बात कर रहे हैं, हम सामने बैठे, वो जैसे हम बैठे कुर्सी पे बैठे और बात कर रहे थे हमसे, और उनका एक हाथ सर के ऊपर में था ऐसा, और उनका हाथ था हमारे हाथ उनके ऊपर, और दाहिने हाथ से कुछ हाथ में कागज पेंसिल थी, लिख भी रहे थे, हमसे बात भी कर रहे थे, हाथ ऊपर रखा है। और फिर जब उनका फ़ोन आया तो उन्होंने पेंसिल रख दी, ये हाथ यहाँ लेके इस हाथ को लिख के फिर फोन किया, और मेरा ध्यान उनकी तरफ नहीं था, उनके हाथों की तरफ था। ये छोड़ते कि मैंने सोचा कि स्विच ऑफ तो नहीं, स्विच ऑन है, स्विच ऑफ है। फिर मेरे से रहा नहीं गया, मैंने पूछा कि महात्मा जी माफ़ करना, ऊपर में स्विच है क्या? बोले स्वामी जी नहीं, मुझे ऊपर में एक्जिमा है, इतनी खुजली आती है कि मैं छोड़ दूँ तो पागल हो जाऊँ, तो उसको मैं जैसे दबा के रखता हूँ ना थोड़ी देर के लिए, तो थोड़ा आराम मिलता है। इसी प्रकार से मानसिक खुजली को कहते हैं चिंता, एक आदत लग जाती है, खामोखाम की चिंता। चिंता मालूम है क्या है? चिंता माने जो समस्या नहीं है उसको सुलझाने का प्रयत्न। समस्या हो तो सुलझाओ ना, चिंता करने से थोड़ी होता है, लेकिन पूरा जीवन उसी में चला जाता है। इसीलिए दृश्यम दृश्य अदृश्यता नीत्वा ब्रह्माकारेण चिंतयेत् विद्वान नित्य सुखे तिष्ठेत्। तो ऐसा जो विद्वान है नित्य निरंतर एकदम मस्त रहे, मौज में रहे। मौज में रहने के दो तीन तरीके आपको बताते हैं। पहला तरीका, किसी को सुखी हैप्पी प्रसन्न करने का प्रयत्न मत करना। कारण क्या है? दो कारण है इसके। एक कारण है, भगवान जब हमको सुखी प्रसन्न नहीं रख सकता तो हम किसको सुखी प्रसन्न रखेंगे? दूसरा कारण, हम सभी के सभी डेमोक्रेसी में रहने वाले हैं, हर एक को दुखी होने का अधिकार है, हम क्यों किसको प्रसन्न करें? कोई दुखी होना चाहता है तथास्तु, और दुख दे दो। जिसने जिसने किसी अन्य को सुखी प्रसन्न करने का प्रयत्न किया है, अन्य तो प्रसन्न हुआ नहीं, ये दुखी जरूर हो गया, हमने इतना किया लेकिन कुछ नहीं मिला, किसने कहा था? पहली टेक्निक। दूसरी टेक्निक, किसी को भी दुखी करने की आवश्यकता नहीं, हर एक आदमी सफिशिएंट है, अपने आप से हम जितने दुखी होते हैं और किसी से दुखी नहीं होते। एकदम शांत रहो, मस्त रहो, यही सब कुछ साधना है। इसीलिए विद्वान नित्य सुखे तिष्ठे धिया चिद्रस पूर्णतया, और फिर हमारी बुद्धि जो है इस परमानंद के रस में लथपथ हो गई है। देखो जैसे ये आमरस खाते हैं ना गुजराती लोग, उसमें हाथ डाल करके ऐसा फुर्र करके जब खाएंगे तब आमरस खाने का मजा है। तो जब ऐसे खाते हैं तो मुझे हमेशा, मेरी समस्या बड़ी विचित्र है, जो लोग अंगूठियां पहन के रहते हैं वो जब वो कढ़ी को या आमरस को खाते होंगे तो नीचे गिरता होगा ना, तो उनको मजा आ ही नहीं सकता, इसीलिए वो चम्मच लेते हैं। देखो आमरस का कढ़ी का मजा चम्मच से खाने में नहीं आता, उसमें डुबो करके फुर्र करके दुनिया को दिखाने में जो आनंद है और किसी में नहीं। जहां रस होता है वहां गुठली नहीं होती, आम रस में गुठली नहीं है। ध्यान से सुनना, जो विषयों का आनंद है उसमें गुठली होती है कामना की, जो ब्रह्मानंद है उसमें कोई कारण नहीं है, कोई गुठली नहीं है, ये है ब्रह्मानंद। बिना कारण का आनंद
यही शब्द भगवान ने किया है, चिद रस पूर्णतया। ये आनंद ऐसा नहीं, अब एक ही कटोरी है आमरस और नहीं मिल सकता है दरिद्री। अपने ब्रह्मानंद को जिसने पिया है वो इस दुनिया के आमरस में कभी भी आनंद नहीं ले सकता। चिद रस पूर्णतया। आखिरी में जाकर के भगवान कहते हैं, ए भिरंगै समायुक्तः राजयोगस् उदाहृतः किंचित् पक्व कषायाणां हठयोगेन संयुतः परिपक्वं मनो येषां केवलोऽयं च सिद्धिदः गुरुदैवत भक्तानां सर्वेषां सुलभो जवात्। एतद्भिः अंगैः समायुक्तः राजयोग समा उदाहृतः। यहाँ हमने ये राजयोग की, ज्ञान की और ध्यान की सभी बातें बड़े विस्तार से, बड़े सुंदरता से आपके सामने रखी है। लेकिन किंचित पक्व कषायाणाम, लेकिन हम में कुछ ऐसे भी है कि जो अभी भी ऐसे ही है, तो उनके लिए हठयोगे न संयुतः, उनको यही कहेंगे सुबह उठ करके 2356 बार भस्त्रिका करो, उसके बाद इतने अनुलोम विलोम करो, उसके बाद शीर्षासन करके घंटे भर खड़े रहो, उनके लिए हठयोग। जो अभी इसी दुनिया में फंसे हैं, आलस्य में दबे हैं, देखो ये जो हठयोग जो है ना, ये देहात्म भाव को दृढ़ करता है। आदमी जिद्दी होता है, अपनी ही मनवाना चाहता है, इसलिए इसका नाम हठयोग है। हठया माने जिद्दी। ये जिद्दी लोग जो होते हैं वो बड़े डेंजरस होते हैं, अपनी ही मनवा के रहेंगे और उसका नाम देंगे हमारा ये प्यार है, प्यार है प्यार, मैं क्या जानूं, प्यार पूर्व कुछ नहीं होता है, ये जिद्द होती है। तो ऐसे जो गए बीते हैं उनको कहते हैं ठीक है बाबा, तुम हठयोग कर लो, आसन कर लो, प्राणायाम कर लो और मंदिर के चक्कर लगाओ, सब करो। और जब थोड़ा जरा शरीर से ये आलस निद्रा प्रमाद, ये जो करना 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 करने का जो रोग है, ये जब शांत हो जाएगा तब जाकर के ये चिंतन में लग सकते हैं। तो कैसे चिंतन में लग सकते हैं ये भी हमने आपको बताया है। तो परिपक्व मनो येषाम, और जिनका मन परिपक्व हो गया है। मन की परिपक्वता क्या है? अब मन को आनंद के प्राप्ति के लिए विषयों के पीछे भागने को मन नहीं करता। जिस व्यक्ति को घर में अच्छा खाना मिलता हो वो होटल में क्यों जाएगा? देखो, हम एक बार वहां थे सिडनी में, पहली बार गए थे कई साल पहले, एक होटल पर बोर्ड लिखा हुआ था BBQ रेस्टोरेंट, बारबेक्यू होता है उसका अर्थ, बारबेक्यू रेस्टोरेंट। अब बारबेक्यू बड़ा लंबा हो जाता है इसलिए एब्रीविएशन BBQ रेस्टोरेंट। तो मैंने पूछा कि इसका अर्थ क्या है? अरे स्वामी जी, इसका अर्थ है बारबेक्यू रेस्टोरेंट, नहीं तो कुछ मालूम नहीं। तो क्या है? हमने कहा BBQ रेस्टोरेंट है ना। अब जिसको घर में अच्छा खाना मिलता है वो बाहर क्यों भटकेगा? जिसको अपने स्वरूप का आनंद प्राप्त हो गया है वो ये विषयों में क्यों भटकेगा? देखो महाराज, इसीलिए परिपक्व मनो येषाम केवलोऽयं च सिद्धिदः, यही व्यक्ति केवल सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। इसीलिए पूरी साधना क्या हो गई? दो बातें, एक बात मन को डिसिप्लिन में रखना है, दूसरी बात मन को एजुकेट करना है। कर्म और उपासना के द्वारा मन को डिसिप्लिन किया जाता है और वेदांत के द्वारा मन को एजुकेट किया जाता है। डिसिप्लिन एंड एजुकेटेड माइंड अलोन इज ए कंट्रोल्ड माइंड। हम सावधान नहीं रहते, मैकेनिकली जीते हैं जीवन में, देखो, और इसी के कारण दुखी होते हैं।
जैसे छोटी छोटी बातें जो कितनी बार बताई है, अपनी जहाँ आवश्यकता नहीं हो वहाँ न जावे। रामायण आप लोगों ने सुना होगा, रामचरितमानस, उसमें शिव जी भी यही बात बताते हैं सती जी को कि देखो ये ठीक है तुम्हारे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, लेकिन हमको वहाँ बुलाया नहीं, तो जहाँ अपने को नहीं बुलाते हैं ना वहाँ नहीं जाना चाहिए। और आपको तो हमेशा ऐसा ही है, अपने पिताजी के यहाँ जाने के लिए कोई न्योता नहीं है। देखो तुम्हारे पिताजी हो गए, मेरे तो ससुर है ना, तो थोड़ा बहुत तो ट्रेडिशन रखना चाहिए। मैं तो जाऊँगी। ठीक है तुम चले जाओ। जाके क्या हुआ? तो वहाँ शिव जी स्पष्ट कहते हैं जहाँ अपनी आवश्यकता नहीं हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। ये सिद्धांत हम भूल जाते हैं और कहानी सुन लेते हैं। हर कहानी से यदि हम सीखना शुरू करें ना, तो देखो आपके घर में नंदनवन हो जाएगा। घरों में झगड़े इसीलिए होते हैं कि एक दूसरे को समझते नहीं, अगला क्या चाहता है, हम क्या चाहते हैं, इसी में लगे हुए हैं। इसीलिए वेदांत की साधना माने केवल उपनिषद भगवद गीता को पढ़ने से नहीं होती, 24 घंटे में अत्यंत सावधान रहना है। जहां देखा अपने आवश्यकता है भागो, रुको मत। पढ़वी की मौन लिंग रिंग, फिर किसी ने बता दिया आप जाने का क्या लोगे महाराज, तब हमको दुख होता है। इसीलिए परिपक्व मनोयशा, मन की परिपक्वता यही है कि मन अत्यंत सावधान हो गया है। देखो एक बार कहा की बात है, वाराणसी की शायद, मैं अपना कुछ काम कर रहा था तो शायद एडिटिंग कर रहा होगा लैपटॉप पर, एक अम्मा आई कुछ बोल रहे थे, मैं हूँ हूँ कर रहा था। स्वामी जी आप मेरी बात सुन नहीं रहे, हमने तुमको समझ में नहीं आता क्या मैं काम कर रहा हूँ, 10 मिनट बैठो ना, कौन सी आग लगने वाली है। और फिर मैंने अपना पूरा कर लिया। हाँ बोलो क्या बात है स्वामी जी, आपको गुस्सा आ गया? बोले नहीं मुझे गुस्सा क्यों है, बोले आपने मुझे डांटा, मैंने बोला आपको चाहिए होगा उसमें मिल गया। इतनी भी कॉमन सेंस नहीं कि कोई व्यक्ति कुछ कार्य कर रहा हो तो बोलना शुरू वेदर द अदर पर्सन वॉन्ट टू लिसन आर नॉट। और फिर हम सोचते हैं कि देखो हम रोते रहो, नो बड़ी कैन हेल्प। परिपक्वम मनो येषाम केवलोऽयं च सिद्धिदः गुरु दैवत भक्तानां सुलभो सर्वेषां जवात्। और ये जवात बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाता है किसको? गुरु दैवत भक्तानां। देखो भगवान की भक्ति आप कैसी भी करो भगवान सह लेते हैं। अब देखो अपने पैर को पाद पूजा इत्यादि नहीं करवाते, इसका कारण मालूम है क्या है? भगवान के चरण पादुका पर आपने बॉइलिंग ऑयल भी डाल दिया तो कुछ नहीं होता। मनुष्य के पाद पद्मों पर उबलता हुआ गरम गरम दूध जब डाल देते हैं तो वहां रबड़ी बन जाती है। मूर्ति को कैसा भी हार पहनाओ, गीला हो, उसमें कीड़े हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिंदे महात्मा को हार पहनाते हैं, उसमें चींटियां हैं और हमने इतना प्यार से पहनाया, महाराज जी ने उतार दिया, चींटियां खा रही थी। मूर्तियों के साथ व्यवहार करना भिन्न होता है और मनुष्य के साथ व्यवहार करना भिन्न होता है। तो गुरु दैवत भक्ताना, अपने देवताओं को जितना छलना है छल लो, गुरु को मत छलना। तो ये बहुत आवश्यक है। गुरु की भक्ति क्या है? केवल आप आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग पर चलते रहो, बाकी कुछ नहीं चाहिए। बाकी की चीजें अनावश्यक है लेकिन वही हम छोड़ देते हैं। देखो कोई भी पिता अपना पुत्र जब उससे भी बढ़कर के बढ़िया बनता है तब पिता को कितनी खुशी होती है। इसी प्रकार से कोई भी साधक, कोई भी शिष्य जब बहुत बढ़िया आध्यात्मिक प्रगति पर है तब उसको खुशी होती है। ये बाकी का जो है ना, ये झाड़ू पोछा लगाना, इट इज नॉट नेसेसरी, आवश्यक ही नहीं है इसकी कोई। इसीलिए
इसीलिए गुरु दैवत भक्ता नाम सर्वेशाम सुलभ हो जवान, ऐसे जो सभी साधक हैं उनको एकदम जल्दी से ही यह प्राप्त हो जाता है और यह अपरोक्षानुभूति आज इस गुड़ी पाड़वा के पवित्र दिन पर आपको अपरोक्षानुभूति प्रदान करे, यही प्रभु से प्रार्थना करके यह कैंप समाप्त हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।